तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर विद गाइस। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो अपने बैकग्राउंड में ग्राफिक्स है वो आप कैसे अपने माइनक्राफ्ट पी में डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस देख ही सकते हो ग्राफिक्स डायमंड हो रही है, ये अपने मॉसी कोबल स्टोन है, वुड है। तो आप ये कैसे ले सकते हो अपने माइनक्राफ्ट पी में, भाई कितने सही सही हैं। गोल्ड हो रहा है, ये आयरन हो रहा है, कोल है, ये क्राफ्टिंग टेबल है, और भाई डर्ट का तो टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस। तो गाइस अगर आपको भी वाले ऐसे ग्राफिक्स चाहिए, सैंड भी देख सकते हो। बाकी अगर अपन कोई केव में जाएँ तो उधर का भी आप लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ केव कहाँ पर है। केव गाइस ये रही, ये रही। नहीं भाई केव नहीं है, तो छोटा सा है गाइस। येरा लावा पूल ये भी देख ही लो, गेरा भाई स्टोन, स्टोन का भी टेक्सचर कितना अच्छा है गाइस। तो गाइस अगर आपको भी ऐसे चाहिए ये वाला माइनक्राफ्ट का सेम ऐसी ग्राफिक्स अगर आपको भी चाहिए विथ RTX, तो आप लोग को क्या करना है, बस मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, उधर पर मैंने एक लिंक दी है, आपको बस लिंक पे क्लिक करना है और वो ग्राफिक्स डाउनलोड कर लेना है। गाइस ये बिना ZArchiver के, बिना कोई एक्सट्रैक्ट फाइल्स के, सिर्फ आपको क्या करना है, वो लिंक पे क्लिक करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है, फिर अपना बस माइनक्राफ्ट खोल लेना है। और खोलने के बाद माइनक्राफ्ट आपको बस उधर पे अपने वर्ल्ड क्रिएट करके पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाना है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ चल के, लोड हो रहा है गाइस। तो ओके गाइस लोड हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, अपने पेंसिल वाले ऐसे ऑप्शन में जाना है, उसके बाद फिर इधर पे जो रिसोर्स पैक है, मेरे पास है वाला रिसोर्स पैक, आपको बस क्या करना है, रिसोर्स पैक में जाना है और उसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। गाइस बस यही था, ऐसे ही आप डाल सकते हो अपने माइनक्राफ्ट पी में। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।